इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, बहुत बड़ा कांड हो गया है। अरे पहले शांत हो जा, ऐसे चिल्ला रहा जैसे भूत देख लिया। उससे भी बुरा देखा है, जल्दी चलिए और अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। तू क्या मुझे सड़ी हुई लाश की बदबू सुंघाने इधर लाया है? इसलिए तेरे पसीना छूट रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, आप गुस्सा करने से पहले जरा इन लाशों को देख लो। इतना कहकर वह बॉय कोल्ड स्टोरेज से एक एक करके लाशों को निकाल इंस्पेक्टर को दिखाने लगता है। इन सभी लाशों की तो एक आंख नहीं है, इसका तो दिल ही गायब है। अरे इसका तो किसी ने दिमाग तक निकाल लिया है। वार्ड बॉय कोल्ड स्टोरेज से लाशों को निकालता जा रहा था, जिसे देख इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मरने के बाद किसी की लाश के साथ ऐसी हैवानियत कौन कर सकता है? अरे ये मुर्दा घर नहीं बल्कि हैवानियत घर होना चाहिए। और कब से चल रहा है ये सब? तुमने पहले किसी को इसके बारे में कुछ बताया? जिसको भी बताता वो लोग मेरा ही मजाक उड़ाने लगते। पर इंस्पेक्टर साहब, इन सब के अलावा एक बात और है। जिन जिन लाशों के अंग गायब किए गए, वो लाश रात 12 बजे निकल जाती है और 4 बजे वापस आती है। ये क्या नई बकवास शुरू कर दी तुमने? अब भला लाश कैसे चल सकती है, हा? तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। तो अब आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सब सच है, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज रात आप खुद इस जगह पर रुक कर देख लीजिएगा। इंस्पेक्टर और वार्ड बॉय मुर्दा घर के अंदर 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं कि तभी एक घंटे की आवाज से सारा माहौल सुनसान हो गया। घड़ी में 12 बज चुके थे, जिसे देख वार्ड बॉय और इंस्पेक्टर की धड़कन थम सी गई थी। दोनों की नजर कोल्ड स्टोरेज पर थी कि तभी अचानक से एक एक करके कोल्ड स्टोरेज के बॉक्स खुलने लगे। देखा ना सर, मैंने कहा था ना, ये लाशें 12 बजे एक लाइन में कहीं जाती है। पर ये सब जाते कहाँ हैं? चल पता लगाते हैं। ये लाशें यहाँ इस तालाब में नहाने आती हैं? पर किस लिए? और ये सब कौन करवाता है? वो भी इन सभी से? इसका पता लगा कर रहूंगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब इन लाशों के लौटने का वक्त हो गया है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। मांगेराम, पिछले एक महीने से अमरनाथ मुर्दा घर में जितनी भी लाशों को जमा किया है, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। जल्दी लेकर आओ। लीजिए सर, ये रही उन सारे लोगों की फाइल्स जिनको अमरनाथ मुर्दा घर में रखा गया है। मांगेराम, हथकड़ी पहना उस मुजरिम को। इसने जो गुनाह किए हैं, उसके लिए इसको फांसी भी हो जाए वो भी कम है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरा जुर्म क्या है? जुर्म? एक तो लाशों के साथ बदसलूकी की है, उनके अंगों को काले बाजार में बेचता है, और मुझसे पूछ रहा है कि मेरा क्या जुर्म है? लॉकअप में 4 फटके लगेंगे तो तोते की तरह सब बोल पड़ेगा। सर, सर गेंडे की खाल लेकर पैदा हुआ है, इसको मार मार कर मेरे पसीने छूट गए, लेकिन मजाल है जो ये एक अक्षर भी बोलते। मैं तो थक गया अब, आप ही करो इसके साथ जो करना है। देख, मुझे पता है तेरा बाप इन सब के पीछे है। मैंने बहुत सी फाइलों में तेरा और तेरे बाप का जिक्र पढ़ा है, इसलिए अब सीधे से अपने बाप का पता बता, वरना मैं मारूंगा नहीं, सीधे मार ही डालूंगा। आखिर तुझे पता चल ही गया। लेकिन इंस्पेक्टर, जैसा तू सोच रहा है, ये खेल उससे बहुत बड़ा है, और हम पाप नहीं पुण्य का काम कर रहे हैं। पुण्य का? कैसा खेल? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। आज रात तुम उस काले तालाब के पास चले जाना, तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहते ही वार्ड बॉय इंस्पेक्टर को कनेक स्माइल देता है और खुद ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाकर अपना सर उड़ा लेता है। वार्ड बॉय को खुदकुशी करता देख इंस्पेक्टर डर जाता है। सर, रात के 1 बजे हम झाड़ियों के पीछे किस गैंगस्टर का इंतजार कर रहे हैं? मांगेराम, हम किसी गैंगस्टर का नहीं बल्कि एक हैवान का इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ कभी भी आ सकता है। इंस्पेक्टर बोल ही रहा था कि तभी एक लाइन से लाशें तालाब की ओर आती दिखी, जिसमें सबसे आगे
वार्ड बॉय की लाश चल रही थी। हवलदार ने जब लाशों को एक लाइन से चलते देखा तो डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। सर, ये मुर्दा लोग चल कैसे रहे हैं? और इनमें सबसे आगे तो वार्ड बॉय चल रहा है, जिसने आपकी रिवॉल्वर से खुदकुशी की थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर हवलदार से कुछ कहता, उसने देखा कि एक बुढ़ा शख्स काले तालाब के अंदर से निकलता है और सामने से आ रही लाशों के मुंह पर काला रंग पोत देता है। मेरे बेटे अनिल, माना के तो मेरा बेटा था, पर पाप तो हर इंसान से होता है और लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हिसाब चुकता, लेकिन मेरी अदालत में मरने के बाद भी सजा मिलती है। हर उस जुर्म का हिसाब लिया जाता है जिससे कभी दूसरों को दुख पहुंचा हो। इतना कहते ही बुढ़ा बाबा अपने होठ हिलाता हुआ मंत्र पढ़ने लगता है और वार्ड बॉय के चेहरे पर लगी कालिख उसके चेहरे से उतर कर उसके दिल पर आ जाती है। तो मेरे बेटे, तूने हमेशा लोगों को धोखा दिया है, अपनी बातों से उनका दिल दुखाया है। तेरी जबान हमेशा कड़वी रही है, जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है। वार्ड बॉय के जाने के बाद बुढ़ा शख्स दूसरे शख्स के पास जाता है और उसके मुंह पर कालिख पोत कर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। लाश के मुंह पर लगी कालिख उसकी आंखें और दिल पर चली जाती है। अच्छा, तू तो बहुत पापी इंसान है। तूने हमेशा दूसरों पर गंदी नजर रखी और दूसरों के बारे में गलत सोचा। ले अब उसकी सजा भुगत। बुढ़ा शख्स अपने एक हाथ से उसका दिल और दूसरे हाथों से उसकी दोनों आंखें उसके जिस्म से निकाल लेता है और उसके बाद भी वो शख्स काले तालाब में नहाने के लिए चला जाता है। बंद कर अपना घिनौना इंसाफ। अरे तू होता कौन है? इसके कर्मों का फैसला करने वाला। इंस्पेक्टर विक्रम, तुम लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसको तुमने पकड़ा था और 20 सालों की सजा दिलवाई थी, सिर्फ इस जुर्म में कि मैंने एक होनी का खून किया था। अफसोस मुरारी, तुम सजा काट कर भी नहीं सुधर पाए, लेकिन इतना जान लो, कानून की नजर में हर वो इंसान गुनहगार है जो कानून को अपने हाथ में लेगा, समझा? और लगता है तुझे फिर सजा मैं ही दिलवाऊंगा। अरे सजा तो तब दिलवाएगा ना जब तू जिंदा बचेगा। जाओ उस इंस्पेक्टर को मार डालो। मुरारी के इशारा करते ही वार्ड बॉय के साथ आए और भी लाशें किसी भूखे भेड़िए की तरह इंस्पेक्टर को मारने चल दिए। विक्रम भी लाशों को अपनी तरफ आता देख सतर्क हो गया। उसने तुरंत ही अपनी रिवॉल्वर निकाली और उन सभी के सर पर एक एक गोली मार दी, लेकिन उन लाशों को कुछ नहीं हुआ। वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन सब लाशों ने विक्रम को दबोच लिया। विक्रम भी जान के डर से छटपटाने लगा। मांगेराम विक्रम की मदद के लिए दौड़ा ही था कि वार्ड बॉय मांगेराम की तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन को वार कर उसे मार डाला। विक्रम को सोच, अगर जल्दी तूने कुछ नहीं किया तो ये लाशें तुझे भी कच्चा चबा डालेगी। विक्रम अभी बोल ही रहा था कि उसे लाशों पर वो काला रंग दिखा और अगले ही पल विक्रम ने वो काला रंग अपने चेहरे पर पोत लिया। ये क्या किया तूने? तू जिंदा था, अभी मरा नहीं था। विक्रम ने जैसे ही वो काला रंग अपने चेहरे पर पोता, सारी लाशें अपने आप ही पीछे हट गई और लाशों के पीछे हटते ही विक्रम सीधा मुरारी के पास पहुंचा और मार मार कर उसे पूरा कर दिया। विक्रम लात घूंसों की बरसात कर मुरारी को लहू लुहान कर देता है और जब मुरारी की हालत बद से बदतर हो जाती है तो विक्रम मुरारी को हथकड़ी पहना कर उसे अपने साथ ले जाता हुआ बोलता है, अब जेल में अपने आप के साथ इंसाफ करता रहिए।